चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज है 19 मई और स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, मॉर्निंग में आप डेली करंट अफेयर्स वीडियो जरूर देखा करें चैनल पर आकर हमारे, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, साथ में जो बगल में घंटी है दोस्तों उसको जरूर ऑन कर लें ताकि आपको रेगुलर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मॉर्निंग में मिलता रहे। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिलती हो दोस्तों तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, एक लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, हमको मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे रेगुलर वीडियोज़ लेकर आता रहूं। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है, एक शेयर करें दोस्तों सभी दोस्तों के साथ ताकि सभी की हेल्प हो सके। काफ़ी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप उनकी हेल्प जरूर करें। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर आज ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये पुराना करंट अफेयर्स पहले रिवाइज़ करा दूँ आपका, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा, नीति आयोग द्वारा जारी SGD इंडिया का समग्र सूचकांक में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। देखिए दोस्तों, नीति आयोग द्वारा जारी SGD इंडिया का समग्र सूचकांक में केरल को जो है पहला स्थान मिला है, ठीक है। देखिए दोस्तों, नीति आयोग ने प्रगति को मापने, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर जो कार्रवाई को गति देने के लिए SGD इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। इसमें इंडिया स्किल्स जो है इंडिया इंडेक्स विकसित किया गया था, और इसमें दोस्तों मौजूदा चरण में 17 SGD यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है में से 13 को कवर किया गया था। और देखिए दोस्तों, केरल को जो है भूख कम करने के प्रयासों के लिए लिंग समानता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के कारण जो है उच्च रैंक दिया गया है, ठीक है, नंबर वन मिला है, पहला स्थान मिला है। तो नीति आयोग की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम पूछ लेता है आपके एग्जाम में, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है। दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान वाइस चेयरमैन जो हैं वो है राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार है। एक क्वेश्चन अभी बैंकिंग एग्जाम में पूछा गया था हाल ही में, नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है, CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वर्तमान में दोस्तों, अमिताभ कांत जी, अमिताभ बच्चन जी नहीं, आपको याद रखना अमिताभ कांत जी हैं, ठीक है, अमिताभ कांत। और दोस्तों आपको बता दें कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया था मोदी जी द्वारा। और जो नीति आयोग का जो तो अध्यक्ष होता है वो भारत का पदेन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, पदेन प्रधानमंत्री, तो याद रखेंगे आप, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में मोदी जी हैं, ठीक है। तो नीति आयोग द्वारा जारी SGD का समग्र सूचकांक किस राज्य को पहला स्थान मिला था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में मिला था केरल को, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं आपको हर क्वेश्चन में काफ़ी सारे फैक्ट बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को लास्ट तक ऐसे देखते रहें, याद करते चले हमारे साथ, और एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की नवीनतम रैंकिंग अनुसार टेस्ट प्रारूप में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर कायम है। टेस्ट प्रारूप में शीर्ष स्थान पर कायम है अपना इंडिया, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इंडिया को जो नंबर वन मिला है, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। और बात करें अगर ODI की यानी ओनडे इंटरनेशनल की, तो इसमें दोस्तों कौन है नंबर वन पर, ODI में इंग्लैंड है नंबर वन पर, ठीक है, इंग्लैंड को याद रखेंगे, ठीक है, और टेस्ट रैंकिंग में इंडिया नंबर वन पर है। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही ICC की, तो ICC रिलेटेड करंट अफेयर्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे अभी हाल ही में। तो ICC से क्वेश्चन बनता है, ICC के वर्तमान में चेयरमैन कौन है, दोस्तों वो भारत के ही हैं, शशांक मनोहर जी। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी रिसेंट जो है वर्तमान में ICC के नए CEO बने हैं, ठीक है, ICC के नए CEO बने हैं मनु साहिनी, कौन बने हैं, मनु साहिनी बने हैं अभी ICC के नए CEO, तो ये भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ICC का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ICC का मुख्यालय दोस्तों दुबई UAE में, ठीक है, दुबई में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 में। तो सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ICC की नवीनतम रैंकिंग अनुसार टेस्ट प्रारूप में नंबर वन पर है अपना देश इंडिया। चलिए उससे पहले दोस्तों अगला क्वेश्चन देखने से पहले, RRB NTPC ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक स्पेशल स्टडी मटेरियल PDF नोट्स तैयार किया गया है। उस नोट्स में दोस्तों आपको 4000 वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसमें दिए गए हैं, और इसमें दोस्तों ट्रिक्स जो है मैथ से ट्रिक सॉल्व की गई है ट्रिक से, और इसके अलावा दोस्तों सबसे खास बात है कि इसमें 20 मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे। आप सोच रहे होंगे इस PDF नोट्स की काफ़ी ज़्यादा प्राइस होगी, लेकिन मात्र नॉमिनल प्राइस है, 35 रुपीज़ में कंप्लीट स्टडी मटेरियल है, PDF नोट्स है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसको परचेस करने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है,
तो उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेस कर सकते हैं। या दोस्तों जो बुक है पीडीएफ नोट्स है दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल, हिंदी और इंग्लिश में, तो आप परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस अफ्रीकी देश ने दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका घाना, ठीक है, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, घाना जो दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल ड्रोन सेवा शुरू की है और करीब 3 करोड़ आबादी वाले इस देश में उसको ड्रोन्स की रोज़ 600 उड़ानें होंगी और करीब इसमें 1,20,00,000 लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसमें दोस्तों मरीजों के लिए 2,000 हेल्थ सेंटरों में वैक्सीन, खून और जीवन रक्षक दवाओं की सप्लाई भी की जाएगी। तो किस अफ्रीकी देश ने दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा आपूर्ति करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है? घाना ने, ठीक है, घाना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 9 और 16 जुलाई 2019 के बीच भारत के चंद्रयान 2 मिशन के दौरान एक लैंडर भेजा जाएगा, इस लैंडर का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों विक्रम, याद रखेंगे विक्रम, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का दोस्तों दूसरा चंद्र अभियान जो है चंद्रयान 2 इस साल जो है दोस्तों 9 से 16 जुलाई के बीच लॉन्च किया जाएगा और 6 सितंबर को चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचने की संभावना रहेगी। और दोस्तों इसमें बता दें कि चंद्रयान 2 में इसमें 3 मॉड्यूल होंगे, एक ऑर्बिटर और विक्रम नाम का लैंडर और एक रोवर होगा, ठीक है। तो याद रखेंगे विक्रम नाम रहेगा इसका, इस लैंडर का, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे आगामी एग्जाम से जरूर पूछा सकता है। क्वेश्चन फिफ्थ है दोस्तों, इसरो 2020 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यान भेजेगा? देखिए दोस्तों, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सूर्य के अध्ययन करने के लिए दोस्तों यान भेजेगा आदित्य L1, ठीक, आदित्य L1। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगले साल की शुरुआत में सूर्य का स्टडी करने के लिए एक जांच भेजने की योजना बना रहा है और वर्तमान में दोस्तों वैज्ञानिक सूर्य के बारे में जो है अधिक अध्ययन करने की संभावनाएँ तलाश रहे हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बात हो रही इसरो के बारे में, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको याद रखना है इसरो का सबसे पहले फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और अभी हाल ही में जो दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि एग्ज़ाम में इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। तो याद रखेंगे, आगामी एग्जाम से पूछा सकता है। इसरो के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी बैंकिंग एग्जाम पूछा गया था, इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? डॉ. K. सिवान है, ठीक है, डॉ. K. सिवान है वर्तमान में इसरो के चेयरमैन, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछ लिया था, अभी रेलवे एग्जाम में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में इसरो का हेडक्वार्टर, ठीक है। तो याद रखेंगे 2020 में सूर्य की स्टडी करने के लिए कौन सा यान भेजा जाएगा? आदित्य L1। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने 2018 के लिए ACG खोजी पत्रकारिता पुरस्कार जीता है? तो जीता है दोस्तों ACG खोजी पत्रकारिता पुरस्कार नीलिना M.S, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नीलिना M.S, याद रखेंगे, पुरस्कार से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस शहर में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह दोस्तों मनीला, फिलीपींस में। एशियन डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन कई एग्जाम में, SSC बैंकिंग रेलवे एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका हेडक्वार्टर तो मनीला में, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना थी, 19 दिसंबर 1966 में, ठीक है। तो याद रखेंगे एक क्षेत्रीय विकास बैंक है, ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 24 घंटे के लिए दुकानों और व्यवसायों को कार्य करने की अनुमति देने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? देखिए दोस्तों, 24 घंटे के लिए दुकानों और व्यवसायों को जो है कार्य करने की अनुमति देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। देखिए दोस्तों, गुजरात जो है, गुजरात दुकान और प्रतिष्ठान रोजगार और सेवा शर्तों के नियम के अधिनियम के 2019 के तहत 1 मई से लागू होने के साथ जो है गुजरात में दुकानें, व्यापारिक जो प्रतिष्ठान 7 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे, 7 × 24, ठीक है, तो ये खुले रहेंगे। और जो है दोस्तों, इसमें 4 मई को जारी किया गया विज्ञप्ति में कहा कि राज्य सरकार द्वारा फरवरी में पारित कानून को 1 मई से सूचित कर दिया गया है, ठीक है, गुजरात में ये हुआ है ऐसा पहली बार। तो आप याद रखें, गुजरात की बात करें तो गुजरात का दोस्तों कैपिटल क्या है? गुजरात कैपिटल है गांधीनगर और लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद, ठीक है। और गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 में, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। गुजरात के वर्तमान में गवर्नर कौन है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है? तो गवर्नर है वर्तमान में ओम प्रकाश कोहली जी, ठीक, ओम प्रकाश कोहली जी, याद रखेंगे। और बात करें अगर यहाँ के वर्तमान में CM कौन है, CM की बात करें तो वह हैं विजय रूपानी, ठीक है, विजय रूपानी जी वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका औपचारिक रूप से थाईलैंड के नए राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया है? थाईलैंड के नए राजा,
तो बन गया दोस्तों वजीरा लोंगकॉर्न, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थाईलैंड के नए राज्य का राज्याभिषेक रूप में कौन बने हैं? वजीरा लोंगकॉर्न। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की जाएगी दोस्तों किर्गिस्तान में। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए दोस्तों कब आयोजित की जाएगी SCO के यानी संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक? 21 से 22 मई को किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की जाएगी। किर्गिस्तान के कहाँ पे? बिश्केक में। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपसे प्लेस पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। हालांकि आज संडे तो आज ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, 2019 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए ससाकावा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये किया गया है दोस्तों किसको? प्रमोद कुमार मिश्रा को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम ने जो दोस्तों प्रमोद कुमार मिश्रा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु ससाकावा पुरस्कार 2019 सम्मानित किया गया। ठीक है, और ये भारत के प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव हैं। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव हैं दोस्तों। इस पुरस्कार की घोषणा जिनेवा में वैश्विक आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच 2019 के 6वें सत्र के दौरान की गई है। ठीक है, तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए ससाकावा पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रमोद कुमार मिश्रा को। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मई 2019 में वैशाख उत्सव किस देश में मनाया जा रहा है? वैशाख उत्सव ये मनाया जा रहा है दोस्तों श्रीलंका में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, श्रीलंका में ईस्टर हमलों के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा के बीच वैशाख उत्सव जो धार्मिक हर्षो उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और ये जो दिन है दोस्तों भगवान बुद्ध के जन्म दिवस, ज्ञान और मृत्यु को चिन्हित करने हेतु मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे वैशाख उत्सव श्रीलंका में मनाया जा रहा है। अब देख लेते हैं लास्ट वीडियो का आंसर, अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई थी दोस्तों कैप्टन आरोही पंडित। करेक्ट आंसर था, सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था। अब देख लेते हैं आज का सवाल, जिसका आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना है। बहुत कम स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ, लेकिन मैं सभी कमेंट रीड करता हूँ। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है और ताकि आपको चीज़ें याद रहें। कौन से कमांडो पहले ही प्रयास में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे हैं? फटाफट आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। साथ ही जो भी आंसर है उससे रिलेटेड आपको सारे फैक्ट जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं सभी कमेंट रीड करूँगा, जिसका बेस्ट कमेंट रहेगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम अनाउंस करूँगा। ठीक है, चलिए तो फटाफट वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऐसी रेगुलर वीडियो जरूर देखा करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।